हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। देखिए, अपन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने D1 से लेकर आपके D8 तक के जो D7 तक के जितने भी जो कॉन्फ़िगरेशन थे, विन्यास थे, उनकी अपन ने यहाँ पर बात की थी। और साथ में अपन ने ये बात की थी कि उनमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उनमें किस तरह से लिगेंड की उपस्थिति के आधार पर उनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड, लिगेंड फील्ड, आपके जो वीक फील्ड हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, अपन ने उससे रिलेटेड बात की थी। और साथ में अपन ने देखा था कि उनमें किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी शो की जाती हैं। अब देखिए, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं इसका जो लास्ट पार्ट है आपके D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन हैं इनके लिए आपका जो सेंट्रल एटम है उसके लिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपकी किया जाता है, यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है यह किया जाएगा, उसमें क्या बताया गया है कि जनरली जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या आपके लगातार क्या होती चली जाती है, इसमें डिक्रीज होती चली जाती है, संख्या इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है। और जनरली इनमें अपन बात करें D8, D9 और D10 के लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट अपने D8 के लिए बात करें, D8 के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। D9 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और D10 के लिए बात करें तो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी अपन यूँ कह सकते हैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड कंडीशन के अंदर है, युग्म अवस्था में यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, उपस्थित है। अब बात करें कि भई इस तरह से पाया तो जाता है लेकिन किस में है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं D8 और D9 के लिए, और फिर अपन बात करेंगे इसमें इसके साथ ही कि भी इनमें किस तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो शो किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं Ni+2 Cu+2। तो यहाँ पर देखिए, ये अपने जो दो निकल की अपने आयनिक अवस्था लिखी है इसमें क्या बताया गया है कि जनरली ये क्या है आपके पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। अब ये अनुचुंबकीय क्यों है, तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि इसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर आपका 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें उपस्थित है। साथ में बात करें इसके लिए तो यहाँ पर भी आपका 1 पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होगा, जिसके आधार पर क्या बताया गया है कि अपन कह सकते हैं कि इनके द्वारा कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो शो की जाएगी, यानी इनसे बने कॉम्प्लेक्स कह दें, तो उन कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही अपने मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इनको, तो ये क्या है,
कि मैग्नेटिक फील्ड की जो आपके डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इनके इलेक्ट्रॉन निर्देशित हो जाते हैं या उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर क्या है कि बाद में भी इनमें चुंबक का गुण है वो इसमें पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो क्या बताया है, ये अनुचुंबकीय की तरह आपके व्यवहार करता है। तो जनरली इनमें आपका इस तरह से विन्यास देखने को मिलता है। साथ में बात करें कि यदि यहाँ पर यही चीज़ अपने किसके लिए बात करें, अगर अपन D10 वाले के लिए करें बात, तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो आपका कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो या इस कंडीशन वाला हो। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस अवस्था में ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, जनरली इनमें आपके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो होते ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट द अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। इनका जो आपने कहें कि इनका जो आउटर स्फीयर है, उस आउटर स्फीयर के अंदर आपका एस वाले में एक इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम वो निकल जाता है तो D10 विन्यास हो जाता है। इसके लिए बात करें तो आपका आउटर स्फीयर में आपका 4s2 है वो देखने को मिलता है, 3d10 पूरा भरा होता है। तो क्या है, 4s से दो इलेक्ट्रॉन बाहर, तो क्या है, D10 विन्यास। तो जैसे ही होता है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये अब क्या है, ये आपके डाईमैग्नेटिक आपके प्रतिचुंबकीय जो मटेरियल्स हैं या पदार्थ हैं उनकी तरह क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है इसमें कि जनरली यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, अगर यहाँ दोनों ही क्या हों, आपके उपस्थित हों, तो जनरली क्या बताया गया है कि आपका D8, D9 एंड D10 इन कॉम्प्लेक्स पर इनके बिहेवियर पर किसी तरह का चेंज नहीं आता, यानी यहाँ पर आपके क्या क्या चेंज नहीं होगी कि न तो इनमें कोई डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संकरण का टाइप चेंज हो जाए, दूसरा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी उपस्थिति से इनमें आपके बात करें कि इनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाए, पेयर्ड कंडीशन हो जाए, अनपेयर्ड कंडीशन हो जाए, तो वो जनरली इनके द्वारा किसी तरह से प्रभावित नहीं होती। यानी जिस अवस्था में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वैसे के वैसे ही उसी अवस्था में रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर एक एग्जांपल से इसमें अपने बताएंगे कि D8 के लिए किस तरह से ये हो सकता है, D10 के लिए किस तरह से हो सकता है, D9 के लिए किस तरह से होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पर, ये आपका Eg और ये आपका T2g ऑर्बिटल। ये आपका D8। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड
कोई प्रभाव पड़ेगा, वीक फील्ड कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होगा। फिर बात करें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो D9 वाला, इस D9 वाले के अंदर अब क्या बताए, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका एक उपस्थित है, या अनपेड इलेक्ट्रॉन दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट बात करें आपके यहाँ पर, ये आपका D10 वाला है, इस तरह से D10 में भी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और उसके आधार पर क्या बताया गया है कि इनमें आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखिए अपन बात करें तो जनरली क्या बताया गया है कि आपके D0, D10 एंड बात करें आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड D6 कॉन्फ़िगरेशन और किस कॉम्प्लेक्स के लिए, आपका जो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, D0, D10 और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला D6, इन सब के लिए आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस तरह से होता है, वो आपके डाई मैग्नेटिक नेचर का इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये सभी क्या करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे। और कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए, आपका कॉम्प्लेक्स यदि ऑक्टाहेड्रल हो तभी क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे और इस तरह से उनमें प्रॉपर्टी शो की जाती है। साथ में बात करें इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे आपने D9 कह दें, आपका D8 कह दें, D5, D6 और D6 में भी यदि अगर वीक फील्ड है तो वो भी क्या करेगा कि जनरली इसके अलावा जितने भी हैं वो आपके किसकी तरह व्यवहार करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर वाले अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह ये क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। और इनके लिए क्या होता है मेन जिम्मेदार, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितनी मात्रा में होंगे उतने ही ज़्यादा ये नेचर शो की जाएगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली अपन बात करें कि आपका जो संक्रमण धातु है उस संक्रमण धातु के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है जनरली वो किस रूप में आपके गिना जाता है, आपके इकाई रूप में उसको BM के रूप में लिखा जाता है। BM का मीन होता है बोर मैग्नेटॉन, ये आपके जो चुंबकीय आघूर्ण
मैग्नेटिक मोमेंटम जो बनाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न किया जाता है, वो क्या है आपके बोर मैग्नेटोन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके लिए? आपके जो संक्रमण धातु हैं उनके लिए, या फिर अपन कह सकते हैं जो आपका धातु आयन बना है उसके लिए। और क्या बताया गया है कि जनरली जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम के रूप में क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है या इसको शो किया जाता है। जहाँ पर अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपन ने कहा था कि एन है वो आपके क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जिनमें D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 वहाँ तक के सभी अपने ऑर्बिटल्स के लिए ज्ञात कर सकते हैं। और आपके जनरली मैंने अभी जो तीन कॉम्प्लेक्स के लिए बताया, ये और आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, ये तो ये जनरली क्या है आपके चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और अपन इसको एक सारणी से समझेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग है, और उसके आधार पर क्या करेंगे उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे, और उनके मान किस तरह से प्राप्त होते हैं अपन वो भी देखेंगे। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और साथ में नीचे लिख देता हूँ आपका म्यू, आपका चुंबकीय आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर अपने इसके साथ साथ इनके मान पुटअप करते रहेंगे और साथ में देखेंगे कि ये मान किस तरह से है। सबसे पहला अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका जीरो है, चुंबकीय आघूर्ण भी जीरो हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो आपका जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा 1.73। इसी तरह से बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दो है तो उसके लिए 2.83 जो मान है वो इसमें इसके लिए प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यदि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो क्या बताया गया है, 3.87 इसका चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आपका जो मान है वो 4.80 के लगभग आ जाएगा। और लास्ट इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, क्योंकि मैक्सिमम अपने डी के लिए अपन बात करें तो मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम होते हैं, तो इसके लिए जो मान है वो आपके 5.92 इसमें आपका ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इन सब के लिए इनकी गणना कर सकते हैं, जिसमें अपने प्रत्येक डी ऑर्बिटल्स है उनके लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की इसमें बात की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।